जय श्रीमान। जय हिंद। जय श्रीमान। मेरा अनुरोध है कि मुख्य अतिथि ध्वजारोहण के लिए आए। महोदय कैडेट्स का निरीक्षण करेंगे। जय श्रीमान। Oh,
भारत माता सबसे प्यारी सबसे ऊंची इसकी शान, गणतंत्र दिवस पर शीश झुकाकर हम करते इसका सम्मान। सभी धर्म अब एक हो जाएं, खुशी खुशी गणतंत्र मनाएं। भाईचारे का महत्व बताते रहेंगे, हम गणतंत्र ऐसे मनाते रहेंगे। अब मेरा अनुरोध रहेगा माननीय महोदय जी से कि वो अपने शब्दों से हमारा मार्गदर्शन करें। मन के लिए वो जज्बा जो कुर्बान हो जाए वतन के लिए, रखते हैं हम भी वो हौसला जो मर मिटे माँ भारती के लिए। देश के सभी शहीदों को नमन करते हुए मैं हरिंदर कुमार चौधरी, कुलपति चौधरी श्रवण कुमार, हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, अपने इस कृषि विश्वविद्यालय की ओर से 72वें गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर अपने माननीय कुलाधिपति, माननीय मुख्यमंत्री जी एवं हिमाचल सरकार, पूर्व कुलपतियों, कृषि संविधिक अधिकारी जो यहां विराजमान हैं, विभागाध्यक्ष, वैज्ञानिक गण, अन्य कर्मचारी, विद्यार्थी, हमारे छात्र और छात्राएं, कैडेट्स, हिमाचल के किसान और आवाम और पूरे देश को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। ये बचपन से मैं सुनता आ रहा हूं। हम कितना संभाल पाए हैं और आगे पीढ़ी कैसे संभालेगी, ये सब आप देख रहे हैं। आज के दिन मुझे ऐसे वीरों की याद आ रही है जो हमारे समाज के अद्भुत हीरो रहे हैं। सरदार करतार सिंह सराभा का नाम आप सबने सुना होगा, जो लुधियाना के सराभा गांव के रहने वाले हैं थे और 1896 में उनका जन्म हुआ। 16 नवंबर 1915 को जब उनको फांसी दी गई और उससे पहले जो फांसी का हुक्म हुआ, ये एकमात्र विश्व का एक ऐसा उदाहरण है कि फांसी का मां भारती के लिए वो हुक्म सुनते ही इनका वजन बढ़ गया था। हंसते हंसते उन्होंने उस फंदे को चूमा और कहा, विक्ट्री टू मदर इंडिया, ये मां भारती की विजय है। न जाने इतने कितने ही लोग उन फंदों पर झूल गए। हमारी मां भारती की ओर आंख उठाकर कोई ना देखे। हमारे हिमाचल प्रदेश के 12 जिले इस पर निछावर हुए हैं। मैं कांगड़ा का ही उदाहरण दूं तो वजीर राम सिंह पठानिया जी, मेजर सोमनाथ शर्मा, कैप्टन विक्रम बत्रा जी, मेजर सुधीर वालिया, कैप्टन सौरभ कालिया, ये ऐसे महान सपूत रहे हैं इस मां भारती के, जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राण हमारी रक्षा के लिए गंवाए।
हम इन कुर्बानियों के कारण आज स्वतंत्र गणराज्य बन गए हैं। हमारा अपना संविधान लागू हो गया है। संविधान के निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अध्यक्षता की और 26 जनवरी 1950 को वो संविधान लागू हुआ। आज हम 72वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। मैं कहूंगा लोका वयम राष्ट्रस्य महतः। हम एक महान देश के नागरिक हैं जिसका नाम बड़ी श्रद्धा से पूरे विश्व में अद्भुत है, सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, सोवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया। किसी भी देश की शक्ति वहां के युवा शक्ति से पहचानी जाती है, वहां के किसानों से पहचानी जाती है, वहां की विविधता से पहचानी जाती है, मेहनतकश आवाम से पहचानी जाती है। हम अपने इन बच्चों को, इस शक्ति को किस राह पर डालें, ये काम एक विद्यालय का है, एक महाविद्यालय का है, एक विश्वविद्यालय का है। भारतवर्ष ने ये काम बखूबी निभाया और निभा रहे हैं। हमारा कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर इस ओर दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति कर रहा है और इस मार्ग पर भली भांति आपकी मेहनत से अग्रसर है। अगर मैं नेशनल कैडेट कॉर्प्स से शुरू करूं तो ये एकता और अनुशासन का प्रतीक। आपने जैसे देखा नेशनल कैडेट कॉर्प्स, राष्ट्रीय कैडेट कोर, एक त्रिकोणीय सेवा संगठन जो सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों से मिलकर बनता है, आज आपके सामने है। मुझे छात्राओं को देखकर खुशी हो रही है कि विश्वविद्यालय की छात्राएं इस क्षेत्र में भी अग्रणी हैं। 20 जनवरी 2021 हमने एक पुकार की और एनसीसी कैडेट्स का इंटरेस्ट देख करके हमें लगा कि जो स्ट्रेंथ हमारी 100 की कई वर्षों से चली आ रही है, क्यों ना ये दुगनी हो। और 20 जनवरी 2021 को, इसी वर्ष 20 जनवरी को कर्नल डीकेएस चौहान जो कमांडिंग ऑफिसर हैं धर्मशाला में 5HP NCC के, उनसे हमें खत प्राप्त हुआ कि आपकी ये 100 से 200 कैपेसिटी कर दी गई है। इसके लिए हमारे स्टूडेंट वेलफेयर ऑफिसर डॉक्टर वी के गुप्ता जी, हमारे एनसीसी ऑफिसर डॉक्टर अंकुर जी बधाई के पात्र हैं। और सबसे ज्यादा हमारे छात्र और छात्राएं कैडेट्स जिन्होंने 70% कैडेट्स जो सी सर्टिफिकेट के लिए अपीयर हुए वो सभी ए ग्रेड में पास हुए। सभी गर्ल्स जो
सी सर्टिफिकेट के लिए अपील हुई वो ए ग्रेड में पास हुई। अभी अभी हमने वेब पेज इसमें लॉन्च किया है। उस दिन कर्नल डीकेएस चौहान कमांडिंग ऑफिसर 5HP NCC धर्मशाला हमारे बीच मौजूद थे और सभी स्टेचुटरी ऑफिसर्स, स्टूडेंट वेलफेयर ऑफिसर और NCC ऑफिसर के मध्य ये वेब पेज लॉन्च किया गया, क्योंकि हमें तैयारी रखनी है कोविड जैसी महामारी के लिए। अगर हम इस ग्राउंड में नहीं आ सकते, कम से कम हम जहां भी बैठे हैं अपनी पढ़ाई NCC की भी कर सकते हैं। पूरा इतिहास, आज तक की हिस्ट्री इसमें डाली गई, सभी चैप्टर इसमें डाले जा रहे हैं। अब आप घर बैठकर के भी ये शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। कल आपने देखा और सुना होगा, हमने सबको लिंक भी भेजा था, 25 जनवरी हमारा पूर्ण राजत्व दिवस मनाया गया, वो किसानों को समर्पित था। किसान गैलरी यहां अपने विश्वविद्यालय के म्यूजियम में बनाई गई। विश्वविद्यालय किसानों के साथ मिलकर के राष्ट्र के इस गणतंत्र दिवस को हर वर्ष अपनी सफलताओं के साथ मनाता है। हम उस गणतंत्र को गणतंत्र बनाने के लिए किस तरह से ये विश्वविद्यालय सफलता की ओर अग्रसर होता है, हमारे स्टेक होल्डर्स, हमारे किसान और हमारे विद्यार्थी, ये हमारी ताकत है। इस ताकत को आगे हमें कैसे और मजबूत बनाना है, ये जिम्मेवारी विश्वविद्यालय की है। जब हम सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य की बात करते हैं, तो साथ ही साथ सबका साथ सबका विकास की बात भी करते हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है। कोई भेदभाव नहीं, सबके साथ एक समान व्यवहार, इसका मैंने प्रण लिया है। आज मुझे 5 महीने हुए हैं, जो विद्यार्थी विश्वविद्यालय में जुड़ रहे हैं वो देख रहे होंगे, हम एक बदलाव की ओर हैं, हम क्रांतिकारी कदम उठाने की ओर हैं। इन 3 वर्षों में हम क्रांतिकारी बदलाव लाएंगे, विश्वविद्यालय को सही मायने में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए हम प्रयत्नशील हैं। मैं कर्मठ हूं, कर्तव्य परायण हूं, ये मेरी जिम्मेवारी है। इस पद पर होने के नाते आप सबके सहयोग से हम मिलकर के इस विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बनाएंगे। आज का दिन मैं विद्यार्थियों को समर्पित करता हूं, जो कल का भविष्य बनेंगे, जो हमारे ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे, जो पूरे विश्व में हमारे इस विश्वविद्यालय का संदेश लेकर जाएंगे। हमारे यहां से 9000 के लगभग विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं, जो देश विदेश में इस विश्वविद्यालय के लिए ही नहीं, प्रदेश और विश्व हमारे देश के लिए नाम कमा रहे हैं। मैं इन सभी विद्यार्थियों का धन्यवादी हूं कि आपको वो संस्कार यहां मिला है, जिस संस्कार को लेकर आप जन जन में पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति को और अपनी उस बुद्धि को, तीक्ष्ण बुद्धि को ले जाकर के सबका सहयोगी बन रहे हैं। क्योंकि भारतवर्ष के लोग किसी से भेद नहीं करते। हमने अयम निजह परोवेति गणनाते लघु चेतसाम उदार चरिता नाम ते वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये तेरा है, इसकी गणना छोटे दिल वाले करते हैं। ये विश्व हमारा परिवार है,
भारत वर्ष के लोग ऐसा सोचते हैं क्योंकि ये भारतीयों की संस्कृति है, हमें मां भारती ने यह सिखाया है। हम इसी दिशा में चलकर के पूरे विश्व में एक दिन विश्व गुरु बनेंगे, मेरा ये विश्वास है, क्योंकि विद्यार्थी हमारी शक्ति है। आज का दिन मैं विद्यार्थियों को समर्पित करता हूं, मैं हमेशा इनके लिए चिंतित रहता हूं। पहले ही दिन से मैं अपने मन में सोच रहा हूं किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन विद्यार्थियों को जोड़ा जाए। ये कोविड महामारी ना होती अब तक हम कई रास्ते खोज लेते, लेकिन एक समान ये दिन नहीं रहेंगे, वो निश्चय ही हमारी जीत होगी। आपको हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं, मैं आपके साथ हूं और हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जाकर रहेंगे। विद्यार्थियों का ख्याल करते हुए हमने आपकी जो छात्रवृत्तियां आज तक जिस तरफ ध्यान नहीं दिया गया और बहुत देर से लंबित थी, उनको हाल ही 23 जनवरी 2021 की अकेडमिक काउंसिल में हमने एक मत एक ध्वनि से उसको पारित किया है, जिसमें अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को 600 रुपए से 1000 रुपए कर दिया गया है, और जो हमारे पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स उनका स्कॉलरशिप 2000 से 3000, मास्टर्स स्टूडेंट्स का और स्टाइपेंड 750 रुपए से 2000 रुपए, जो हमारे डॉक्टरल स्टूडेंट्स हैं पीएचडी उनके लिए स्कॉलरशिप 2500 से सीधा 5000 और स्टाइपेंड 1000 से 2500 रुपए कर दिया गया है। यही नहीं, हमारा मकसद इस सिर्फ स्टाइपेंड बढ़ाने और स्कॉलरशिप बढ़ाने तक ही सीमित नहीं है, हम इससे आगे की सोच रहे हैं। आप विश्वविद्यालय का अभिन्न अंग कैसे बन सकते हैं? मैंने 20 देशों का भ्रमण किया और सभी विकसित देशों का भ्रमण किया, विकसित देशों में जाकर देखा वहां विद्यार्थियों के साथ कैसा व्यवहार होता है, विद्यार्थी किस तरह से विश्वविद्यालयों की शक्ति बनते हैं। मेरे दिल में यह भाव था कि परमपिता परमात्मा ने अगर मुझे ये शक्ति प्रदान की, मैं अपने विश्वविद्यालय में अपने विद्यार्थियों को इस तरह से अपने विश्वविद्यालय की एक शक्ति बनाऊंगा। और उस दिशा में चलते हुए आपने देखा होगा कि हमारे पीएचडी स्टूडेंट्स, मैंने जो नारा पहले भी है मैंने उसको रिपीट किया है, अर्निंग वाइल लर्निंग, आप पढ़ते पढ़ते भी कमा सकते हैं। अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर्स तक की क्लासेस के लिए पीएचडी स्टूडेंट्स को अलाउ किया जाएगा और उन्हें प्रैक्टिकल करवाने की ताकत होगी, जिसके लिए उनको, जिनको कोई फेलोशिप नहीं मिलता उनको एक प्रैक्टिकल का 500 रुपया रेमुनरेशन भी दिया जाएगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऑफ टीचिंग, जिनको फेलोशिप मिलता है और जिनको फेलोशिप नहीं मिलता है वो सबको मिलेगा। इससे आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा और मैं जानता हूं हमारे बच्चों की ताकत, जब आप पीएचडी कर रहे होते हैं आपके अंदर वो ताकत होती है, वो ज्वालामुखी होता है जो अध्यापकों के अंदर नहीं होता। आप प्रैक्टिकल बखूबी करा सकते हैं, ये मेरा विश्वास है, और मेरे इस विश्वास को आप नहीं तोड़ेंगे इसकी मैं कामना करता हूं। हमारे एग्रीकल्चरल, वेटरनरी, होम साइंस और बेसिक साइंसेज, जो विश्वविद्यालय के अंदर चार हमारे कॉलेज हैं, अगर हम पूरे भारतवर्ष का भी अगर अवलोकन करें तो मेरे पास डेटा है कि 1-3% एंट्री है। ऐसा क्यों?
कृषि, वेटनरी, कम्युनिटी साइंस और हमारा आधारभूत विज्ञान। आधारभूत विज्ञान में तो फिर भी दूसरे कॉलेज हैं, लेकिन इन तीन दूसरे अंगों में एग्रीकल्चरल और अलाइड साइंसेस में 1-3% एंट्री क्यों? भारत एक कृषि प्रधान देश है, हम अपने घरों में खेतों से जुड़े हुए हैं, पशुधन से जुड़े हुए हैं, 85% लोग इसी पेशे में हैं किसी न किसी रूप में। तो 1-3% जो एंट्री थी, ये मुझे हमेशा खलती है, ऐसा क्यों? क्या हमारे समझाने में गलती हुई या कहीं ना कहीं कोई कड़ी हमसे छूट गई? इसको आगे बढ़ाते हुए मैंने निर्णय लिया है कि हमारे पीएचडी के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने अपने क्षेत्र में जाकर के वहाँ के स्कूलों, विद्यालयों के साथ हमसे यहाँ से लेटर लेकर जाएंगे और वहाँ के स्कूलों में अपने अपने क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उन स्कूलों में बताएंगे कि इस एग्रीकल्चरल और अलाइड साइंसेस की महत्ता क्या है। अगर वो एक लेक्चर वहाँ देंगे उसके लिए हम 1,000 रुपये प्रति लेक्चर जो है वो विद्यार्थियों को देंगे। अब जो फ्री काम करवाने का समय था वो चला गया, हम आपसे कोई भी काम फ्री नहीं कराएंगे, कुछ ना कुछ रेमुनरेशन उसके लिए अवश्य हमने सोच के रखा है। हमारे पीएचडी स्टूडेंट्स जब पढ़ रहे होते हैं और उस विभाग के अंदर कोई रिसर्च फेलोशिप है, आरएशिप है या और दूसरा कोई फेलोशिप आता है तो कॉम्प्रिहेंसिव ओरल का इंतजार करते रहते हैं, वो एक नियम है। अभी हमने ये धारणा बदल दी है, जैसे ही उसका कॉम्प्रिहेंसिव रिटर्न एग्जाम होता है उसके बाद सभी विद्यार्थी रिसर्च एसोसिएट, जेआरएफ और दूसरे उस फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उन्हें कॉम्प्रिहेंसिव ओरल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हमारे एक पुकार इंटर्नशिप फेलोशिप की आई थी, इंटर्नशिप स्टाइपेंड, जिसमें कि बीबीएससी रावे और आरएचडब्ल्यूई से, ये इसमें कुछ थोड़ी सी दुविधा थी लेकिन फिर भी ये हमने इसके लिए कमेटी बनाई है और ये मामला भी विचाराधीन है, इसका भी हम बहुत जल्द जो है वो फैसला करेंगे और आपके हक में इस फैसले को लाएंगे। ये आज 26 जनवरी के लिए मैंने विद्यार्थियों के लिए ये प्रोग्राम रखा था कि आपको मैं 26 जनवरी को ही ये बात बताऊंगा। अब जिम्मेवारी आपकी है कि किस तरह से इसका फायदा, इसका लाभ उठाना है। अगर हमारे ये प्रोग्राम कारगर होते हैं तो मैं इससे आगे बढ़ूंगा। मेरे पास और कई ऐसे प्रोग्राम हैं, कई ऐसे आयाम हैं, कई ऐसे रास्ते हैं जो आपके ख्वाब में भी ना होंगे, वो मैं यहाँ लेकर आऊंगा। मगर जहां मैं अभी पहुंचा हूं इस जिम्मेवारी को बखूबी निभा करके आप आगे बढ़ें। जो जोश और जज्बा मैं दिखा रहा हूं उस जज्बे के साथ मुझे मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें। मेरी स्पीड जो है वो यंगेस्ट चैप के बराबर होगी, ये मैंने कसम खाई है। मैं ना सोऊंगा ना सोने दूंगा, ना मैं सोता हूं, मुझे नींद नहीं आती है, क्योंकि 40 वर्ष से इस विश्वविद्यालय को देख रहा हूं। जो 40 वर्षों की मेरी दुविधाएं हैं वो मुझे अब इस पद पर आने के बाद सोने नहीं दे रही है। मर्जी आपकी है, आप जागृत रहना चाहते हैं या मुझसे कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहते हैं। आप एक कदम बढ़ेंगे मैं 10 कदम आपके साथ आगे बढ़ूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। आज के लिए इस शुभ अवसर पर मैं सभी कैडेट्स को बधाई देता हूं जो इन्होंने परेड की है, तैयारी की है, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। और जो भी जन यहां पहुंचे हैं उन सबको
विश्वविद्यालय की ओर से, मेरी ओर से और पूरे प्रदेश को बहुत बहुत मुबारकबाद और शुभकामनाएं। वंदे मातरम। समक्ष एक कविता की प्रस्तुति देने जा रही हूं। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, चाहती हूं मैं एक आतंकवादी से मिलना और पूछना चाहती हूं उससे एक सवाल कि क्यों है तुम्हें खून से इतना प्यार, क्यों करते हो तुम लाशों का व्यापार, क्या वो चीखों से भरे शहर नहीं करते तुम पर कोई असर, बताओ क्या वो खून से लथपथ लाशें है केवल तुम्हारे लिए खेल और तमाशे, बूढ़े बाप से उसका जवान बेटा छीन, कैसे आती है तुम्हें चैन की नींद, क्या उस माँ का वो सूना आंचल नहीं करता तुम्हें घायल, उरी में तुमने जिंदा जवानों को जला डाला, बुझा दिए उनके सारे सपने, अरे मौत बांटते हो जब तुम यहाँ वहां तो क्या याद नहीं आते तुम्हें न्यारे अपने, खत्म नहीं हुए है मेरे सवाल, पूछूंगी तुमसे मिलकर, अरे खौफ नहीं है मुझे तुमसे बल्कि तरस आता है तुम पर कि ना जाने कब तक बने रहोगे तुम हिंदुस्तान के दुश्मन, एक ना एक दिन आएगा वो दिन जब करना पड़ेगा तुम्हें भी न्योछावर अपना ये मूल्यवान जीवन, बस उस दिन खत्म होंगे मेरे सवाल जब देखूंगी तुम्हें लाचार और बेहाल, ये वादा रहा जल्द आएगा वो दिन क्योंकि बुराई टिकती नहीं ज्यादा दिन। धन्यवाद कैडेट आशिता। देश हमारा सबसे प्यारा, हम है इसकी संतान, लहू का हर एक बूंद निचोड़ो सब में है हिंदुस्तान, आज के उपलक्ष्य पर हमारे साथ शामिल हुए उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद।